टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू ACCA की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है और चैप्टर नंबर 7 है। कैरन हैज़ बीन रनिंग अ सक्सेसफुल नर्सरी स्कूल लिटिल मॉकीज सिंस 2001। शी बॉट द फॉलोइंग एसेट्स एट द नर्सरी गेयू। अ न्यू ओवन फॉर द नर्सरी किचन एट अ कॉस्ट ऑफ $2,000 परचेज्ड 1 दिसंबर 2004। ठीक है जी। अ मिनी बस टू टेक द चिल्ड्रन ऑन ट्रिप्स फॉर $18,000 परचेज्ड 1 जून 2004। शी डेप्रिशिएट्स द ओवन एट 10% स्ट्रेट लाइन एंड मिनी बस एट 25% रिड्यूसिंग बैलेंस। अ फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। What is total depreciation charge for the year ended 31st October 2006? तो पहली चीज़ तो ये पता चलती है कि 31st October 2006 जो है ये इनका क्लोजिंग जो है वो है बिजनेस की। ठीक है, ईयर एंडेड लिखा हुआ है ना, तो एक अकाउंटिंग पीरियड इनका कंप्लीट होता है 31st October 2006 पे। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो मिनी बस इन्होंने परचेज़ की थी ये 2004 का जो काउंटिंग ईयर था उसके अंदर परचेज़ की गई है, क्योंकि जून पहले आता है अक्टूबर बाद में आता है। ठीक है, और जो इन्होंने ओवन परचेज़ किया था वो 1 दिसंबर पे परचेज़ किया है, तो वो जो 2004 का अकाउंटिंग ईयर उसके बाद परचेज़ किया गया। ठीक है, तो अच्छा अब यहाँ पर टोटल डेप्रिसिएशन हमने 2006 का जो इनका अकाउंटिंग ईयर है उसके अंदर फाइंड करनी है। तो इसके लिए डायरेक्टली ये जो 2000 है जो कॉस्ट है हमारे ओवन की, इसका तो हमने सिंपली जो है 10% जो है स्ट्रेट लाइन से कैलकुलेट करना है, यानी हर साल में इसका 10% जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे आप जानते हैं कि एक ही फार्मूला एक ही दफ़ा लगा दिया जाता है फिर वही चलता जाता है। तो पहली चीज़ ये है कि 2000 पे 10% जो है 200 है। ठीक है, और ये ओवन की डेप्रिसिएशन हो गई 2006 के लिए। ठीक है, इसी तरह 5 के लिए भी सेम ही होगी, और अगर 7 के लिए हम देखें तो वो भी सेम ही होगी। 200 200, हर 200 पाउंड्स यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, बट यहाँ पे डॉलर्स आना था क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डॉलर्स थे। ठीक है, तो 200 डॉलर्स जो हैं वो वही जो है वो चलते रहने ऑनवर्ड हर साल। ठीक है, 2006 में भी 200 डॉलर्स जो हैं वही 200 डॉलर्स ही हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन ओवन की। और मिनी बस की अब निकालते हैं। मिनी बस की असल में स्टार्ट हमें लेना पड़ना है 2004 से। ठीक है, तो पहले में इन्होंने कहा फुल ईयर डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है जब आपने परचेज़ किया है। तो 2004 का इनका जो साल है वो छोटा सा ही था, यानी जून में ख़रीदा है 1 जून पे, उसके बाद 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, और उसके बाद 30 अक्टूबर पे इनका कंप्लीट हो गया 2004 का। ठीक है, बट हमने फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो 18,000 की डॉलर्स की अमाउंट है, 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है वो यूज़ करना है। तो 18,000 के ऊपर पहले साल में हम सिंपली 25% लेंगे 18,000 का, जो बन जाता है 4,500 रुपये। ठीक है, और उसके बाद 2005 में हम जो है 25% लेंगे, 18,000 में से माइनस करेंगे 4,500। ठीक है, ये हम यहाँ पर कैलकुलेटर पर कर लेते हैं, 18,000 माइनस 4,500, 13,500। ठीक है, इसका हम जब 25% यहाँ पे ले रहे हैं, यानी ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हमने पहले करना है, फिर बाद जो है इसको हमने 25% इसका निकालना है। 25% जो है इसको मैं लिख रहा हूँ 0.25। ठीक है, 25/100 करें तो ये आता है 0.25। तो ये 3,375 रुपीज़ सॉरी डॉलर्स जो हैं वो बन गए, 3,375 डॉलर्स। तो ये हमारा आया 2005 की डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब ये जो 3,375 है इसमें 4,500 जो है वो मैं जमा कर रहा हूँ। ठीक है, कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 4,500। ठीक है, और ये टोटल बन गया 7,875। 7,875 जो है इसको अब 2006 में हमने माइनस करना है कॉस्ट में से, यानी 18,000 में से। तो इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 18,000 को,
तो ये हमारा आंसर आया 10,125। ठीक है, 10,125, 10,125। ठीक है जी, तो इसका 25% यहाँ पे दोबारा निकाला, यानी कि इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.25 से, तो ये आया जनाब हमारा 2531। ठीक है, 2531 डॉलर्स। तो ये हमने लिख ली, 2006 की डेप्रिसिएशन हमें चाहिए थी, इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसको किए बगैर हम यहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो एक तो हमारी फ़िगर आ गई 2531 डॉलर्स, और एक फ़िगर ऑलरेडी हमारे पास है 200 डॉलर्स। जो भी हमारा ईयर होगा उसमें हम स्ट्रेट लाइन मेथड से 200 डॉलर्स ओवन के चार्ज करेंगे। इसको और इसको जमा किया तो ये बन गया 2731। तो अब ये देख लेते हैं हम यहाँ पे, 2731 जो है वो डी ऑप्शन है। ठीक है जी,